नमस्कार दोस्तों, फिर आज जरूर नए जानकारी के साथ। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, यूपी बोर्ड स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी लेके आया हूँ। स्कूटिंग का फॉर्म आप कैसे भर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कितनी फ़ी लगेगी और कहाँ पे आपको फॉर्म सबमिट करना है, सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। और दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, स्कूटिंग का फॉर्म आप डाल दीजिए, क्योंकि अभी अभी एक खुलासा हुआ है कि एक बच्चे के अंक पत्र में गड़बड़ी पाई गई है। हो सकता है कि कहीं आपके साथ भी ना हो, तो आपको थोड़ा सा भी शक होता है तो आप स्कूटिंग का फॉर्म जरूर डाल दीजिए। दोस्तों, चलते हैं, अब आपको बता देते हैं कैसे आप आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हैं यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है, नीचे आपको आना है और देखिए यहाँ पे दिया हुआ है हाईस्कूल इंटरमीडिएट से संबंधित उत्तर पुस्तिकाओं संरक्षा है, तो आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि 28 मई 2019 निर्धारित की गई है। तो दोस्तों, 28 मई तक आप आवेदन कर सकते हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों, जैसे आप क्लिक करेंगे, देखिए बोर्ड की तरफ से जो निर्देश जारी किया गया है इसी में सारी जानकारी है, कितनी फी लगेगी, कहाँ आपको फॉर्म सबमिट करना है, सारी जानकारी यहाँ पे दी हुई है। मैं आपको बता देता हूँ पढ़कर क्या है, क्योंकि इसमें स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, आपको पता चल गया कि 28 मई तक आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों, 500 रुपये आपको पर सब्जेक्ट देना होगा, लिखित और प्रयोगात्मक विषय के लिए अलग अलग आपको 500 रुपये देना होगा। और दोस्तों, आपको फी कैसे देनी होगी, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क चालान के माध्यम से कोषागार में जमा कराकर निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र पूरित कर रजिस्ट्री डाक टिकट लगाकर अपना पता लिखा लिफाफा संलग्न कर अपने परिक्षेत्र से संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के पते पर रजिस्ट्री डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रेषित कर सकते हैं। तो दोस्तों, स्पीड पोस्ट आपको करना होगा और डाक टिकट लगाकर। तो दोस्तों, ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब आपको बता देते हैं क्या क्या लगेगा डॉक्यूमेंट्स इसके साथ। आवेदन पत्र के साथ शुल्क जमा का चालान पत्र, मूल अंक पत्र की फोटो प्रति अथवा इंटरनेट से प्राप्त अंक पत्र की फोटो प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों, आप अपना क्षेत्रीय कार्यालय सर्च कर लीजिएगा इंटरनेट पे, आपको पता चल जाएगा। और 28 मई तक आप हर हाल में वहां जमा कर दीजिएगा। और दोस्तों, कोरियर और सीधे और कोरियर भेजे गए कोई भी आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप कोरियर करते हैं तो वो आवेदन पत्र आपका स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब दोस्तों, बता देते हैं कैसे आप आवेदन करेंगे और कैसे स्कूटनी का फॉर्म डाउनलोड करेंगे। तो दोस्तों, देखिए यहीं पर लिंक दिया रहेगा स्कूटिंग का फॉर्म डाउनलोड करने का, लेकिन अभी नहीं दिया गया क्योंकि पब्लिश नहीं किया गया है। मैं दिखा देता हूं किस तरह लिंक रहेगा, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए और वेबसाइट पर आकर आप खुद डाउनलोड कर सकें। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इसी तरह लिंक वहां पर दिया रहेगा, फॉर्मेट ऑफ स्कूटिंग फॉर्म, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह फॉर्म रहेगा। 2018 का फॉर्म है, इसी तरह 2019 का भी रहेगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इसी तरह फॉर्म रहेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्म का प्रारूप है और यहाँ पे सारी डिटेल दी हुई है, आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा, पेन से आपको फिलअप करना होगा। ऑफलाइन मोड है। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि आपके फ्रेंड भी जान सकें और उनकी समस्या दूर हो सके। तो दोस्तों, आज के लिए यहीं तक, आगे फिर मिलते हैं नए जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।